पैसे दे दिया। बट सही में एक बात बताऊं, जिस पर लाइफ का गोल हो गया है क्या सर, कि जेन्युइन बंदा बनना है, तो कुछ भी बड़ा बनना है। एंड इट वाज हिलेरियस बिकॉज़ यू ऑल वर मीनिंग टू बी फनी, बट बहुत मुद्दे की बात कुछ आपने करी है। सोया नहीं है ये आर्टिस्ट। दोस्तों मुंबई पहुंच गए हैं और बहुत ही खतरनाक व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में राजेश यादव अपनी शख्सियत का राज बताने वाले हैं। तो राजेश यादव, आपकी शख्सियत का राज जनता को बताएं तुरंत। मैं गांव से आया हूं ना, हम्बल है कह रहे हैं, शख्सियत का राज कह रहे हैं, हम्बल है। पंकज त्रिपाठी जी के बाद मैं ही दूसरा इंसान जो गांव से आया। सटायर मार रहे हैं बातों ही बातों में, बड़े बड़े आदमी को छोटा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं पंकज त्रिपाठी गांव गांव हर वीडियो में करते हैं तो मैं उनको सटायर मार रहा हूं। क्या ये है इस बात का मतलब? मैं भी तो गांव से ही आया हूं, गांव कोई खराब बात थोड़ी है, गांव में हिंदुस्तान बसता है मेरे भाई। बातों को सुधारा जा रहा है, ये गांव से आया, बातों को मेरठ की 10x10 के बातों को घुमाया जा रहा है, बातों को बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मेरी शख्सियत का राज है जी चवन आज शीलाजीत। BTS आपको आज देखने को मिलेंगे, पहुंच गए हैं मुंबई, बने रहे। लिफ्ट में पल पल की खबर दी जा रही है। कोल्ड कॉफी टीम ऑर्डेंस स्मॉल या लार्ज? मीडियम पियेंगे, मीडियम। क्या सोच रहे हैं रघु, क्या सोच रहे हैं हमें अभी ऑडियंस को बताइए। आज के 3 पॉडकास्ट सक्सेसफुल करने की सोच रहे हैं कि कैसे सब मैनेज कर लिया जाए। आज रघु भाई शूट करके उनको सक्सेस भी बना देंगे, उन्हीं को आज ही सक्सेस बना देंगे, ये जज्बा मुझे चाहिए। चाय आ गई है, चाय में कोई इंतजार, पल पल की खबर, चाय पहुंच चुकी है। ये मैंने चाय रघु को दे दी, पल पल की खबर, पल पल की खबर दी जा रही है। क्यों कहलाता है व्लॉग व्लॉग? क्योंकि उसमें पल पल की खबर लाइव जा रहा है सब कुछ। क्या इतनी भारी फाइल अपलोड हो पाएगी? आप यादव की आंखें देखिए, कमेंट्स में बताइए कौन सा माल कहा, किस एजेंट से माल मंगाते हैं, इस बात को आप कमेंट्स में बताएं। दोस्तों सिचुएशनशिप समझा रही है एक लड़की, लड़कों से पूछा इन्होंने कहा हम तो बिलीव करते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में, तीनों ने यही बोला। और लड़की ने मुझे कहा कि आपको पता है सिचुएशनशिप चल रही है। रघु क्या होगा इस देश का? भाई कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान अपना होगा, कश्मीर भी अपना होगा। क्या इस लाइन पे मैं 10 लाख लाइक्स नहीं बटोरना चाहूंगा? सोया नहीं है ये आर्टिस्ट। क्या इस आर्टिस्ट के नींद के बदले मुझे 1 लाख लाइक्स नहीं मिल सकते? अरे आर्टिस्ट देश के आर्टिस्ट की हालत देखो यार, इस देश के आर्टिस्ट की हालत देखो यार, वो कितना परेशान है। क्या इस चेहरे, इस आर्टिस्ट के चेहरे पे मुझे 10 लाख लाइक्स नहीं मिल सकते? तो राजेश भाई आपकी शख्सियत का राज आज ऑडियंस के सामने खुल जाए। क्या हसीन चेहरा, इतना हसीन चेहरा, इतनी प्यारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार। आज के बाद ऑटो में चलने लगे हो क्या? ये गाने कहाँ से आ रही है? दोस्तों उदित नारायण को ऑटो वाला कहा गया है बॉम्बे में बैठ के। उदित नारायण के फैंस, दोस्तों ये वैसे कुमार सानू को गाना था। दोनों दोस्त हैं और मैं आपको क्या बताऊं, इस चेहरे पर मैं 5000 लाइक्स नहीं मांग सकता क्या आपसे? दोस्तों आज की हाईलाइट, जिसके लिए पूरा पॉडकास्ट शुरू हुआ है, आज की हाईलाइट पीयूष मिश्रा आपके सामने कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं और बने रहे। क्या आप तैयार हैं? आपकी नजरों से लग रहा है बहुत ज्यादा तैयार। सब तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं गाइस। ऐसा ही है अब क्या बताऊं। सर बड़ा बहुत पसंद है आपको, आपको लेके कभी नहीं। आप दोगे अपना कोई गाना किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए? पैसे दे दे और जो फिल्म डायरेक्शन का भी आप मन था आपको? अब नहीं है यार, बहुत थकावट बड़ा है सर ये राइटिंग और डायरेक्शन। स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो आप? नहीं बहुत कम देखता हूँ मैं, लेकिन वो इतना तो नहीं खाते यार। सर लाइव में गए आप, लाइव किसी शो में? गया हूँ एक दो बार, गया हूँ
स्वागत है आपका वगैरह वगैरह में जब रात के नए एपिसोड में। हम है यम और ये है राज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर की बुक आई है। हाँ, तुम्हारी योगदान क्या है? पीयूष मिश्रा, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। और प्लीज इनके चैनल को एंजॉय कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये लोग बड़े यंगस्टर हैं और बड़े तो है ही यंगस्टर हैं और बहुत ही चौंकाने वाली बातें पूछते हैं, बड़े जोशीले हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे दबा। थैंक यू, बाय सर। बाय सर, थैंक यू, बाय बोल दीजिए कैमरे को। औकात क्या है तेरी? सही दोस्तों, पीयूष मिश्रा जी के साथ चाय पी ली है। राजेश भाई के खूबसूरत जिस्म को देखिए और लाइक ठोक दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे लाइक। मेरी कॉलर बोन देख लो, इसे कहते हैं लड़कियां सेक्सी कहती है ना इसे? दोस्तों, लड़कियां कॉलर बोन देख लेती हैं तो उनको ऑर्गेज्म आ जाता है। मैंने सुना है इतना काम पिछले हफ्ते में कभी नहीं किया। पिछले से पिछले हफ्ते ऐसा काम हुआ था। ओ गॉड, मुझे नहीं मालूम अब क्या होने वाला है। क्या होने मैन वर्सेस वाइल्ड आ जाओ। क्या घमंडी हो गया है राजेश? क्या होता है घमंड? कमेंट्स में बताएं। इस घमंड पे 5 लाख लाइक्स तो मैं, अगर इस घमंड पे 5 लाख नहीं आए लाइक्स तो राजेश क्या फायदा इसको चलने को चलाने का? शेर चीता ही कहते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ अनदर डे ऑफ द सेम डे इन द वेरी ब्यूटीफुल डे। किसको पकड़ने वाले हैं जेन्युइन बंदे? मुंबई की सड़कें पूछ रही है। कौन है वो? मुंबई की सड़कें पूछ रही है जो आ जाएगा हमारे कब्जे में। किस कौन लपेटे में आने वाला है आज? कौन आएगा शिकंजे में? किसकी शाबत आई है? देखते रहिए। कौन है वो नादान? पल पल की खबर आप तक पहुँचती रहेगी। नादान के बारे में कॉमेंट करें, बताए, थंबनेल में ना देखें प्लीज। और ऐसे नादान को अगर हम पकड़े, चश्मा कहाँ पर? 5 लाख तो ऊपर है। चश्मा भूल गए राजेश यादव? पल पल की खबर देखिए, मुझे याद है। कैमरा ऑन हो चुका है। हम डर जाए, कैसे लग रहे हैं? जेन्युइन गैंग इकट्ठा हो चुकी है। जेन्युइन बातें करने, जेन्युइन बातें, एकदम जेन्युइन बातें शुरू होने वाली हैं। पल पल की खबर मिलने वाली है। बट सही में एक बात बताऊं, जिस मेरे लाइफ का गोल हो गया है। क्या सर? कि जेन्युइन बंदा बनना है। मैं जेन्युइन नहीं बन पा रहा। गाइस कमेंट पे बात करते हैं हम। कमेंट सेक्शन में बताएं जेन, लेकिन इस जेन्युइन कोशिश पे 5 लाख लाइक्स तो होने चाहिए। 5 लाख लाइक्स ठोक दीजिए। जेन्युइन लिफ्ट खुल चुकी है, पल पल की खबर मिलती रहेगी आपको। किस्मत कब खुलेगी? लिफ्ट ही खुल रही है सर। बस हमारी बात कर रहे हो ना आप? नहीं नहीं सर, ये तो अगले गेस्ट के लिए, हम तो अंदर करेंगे। ब्लैक कॉफी बाल शक्ति पे। मैंने तो आपको बद्रीनाथ की दुर्गा में देखा था। मैंने कहा भाई उस बंदे के साथ मैंने बात नहीं की ना एक दिन, तो दूसरे दिन से यही था वो। दूसरे दिन वो तो रहेगा हमारे चल्ला जो आपको दिखाएंगे अगर आपको लगे गलत। ये वो पीआर टीम से ईशानी जिनको 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 आपत्ति है महेश दल्ले से और क्या सेकंड क्या था वायग्रा वाले जोक से, वो भी ऐसा ही है। नहीं यार, अभी नहीं, और ऑडियंस यार आप देखो। हां ठीक है, जाने बाजी, लवी बाजी। ओके बाजी, बाय 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 बोल दीजिए सबको। बाय बाय, ठीक है चले। ओ वायलेंस किया जा रहा है मुंबई की सड़कों पर। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। कोई घर जमाई बना ले अच्छी लड़की। 50 करोड़ रुपए दे दे कोई। बस 50 में हो जाएगा आपका? मैं 50 में भी जा रहा हूं। ओ भाई, मिनिमल लिमिट 50 की एफडी करा दूंगा। पर आपने मुझे कैसे डिस्कवर किया? हाउ डिड यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम? आई सॉ वो, आई थिंक आई सॉ समथिंग वेरी फनी। आई टोल्ड यू आल्सो दिस इज सो फनी। आई थिंक वी वर जस्ट टॉकिंग एमलेसली, मतलब कुछ भी बड़ा बड़ा था। एंड इट वाज हिलेरियस बिकॉज़ यू ऑल वर मीनिंग टू बी फनी बट बहुत मुद्दे की बात कुछ आपने करी है। बिकॉज़ यू नो व्यंग एक अलग तरीका होता है। फनी सिर्फ ये गलत है, एंड देयर वाज अ वे ऑफ सेइंग इट्स रॉन्ग इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो आई लाइक दैट एस्पेक्ट। पता नहीं मैंने क्या बोला है बट थैंक यू मैंने बोला है जो बोला है। मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा, बस खत्म हुई भी बात। आई डिडंट नो कि एक साल के बाद हम ये करेंगे। हाय, दिस इज सर।
रिसेप्शनिस्ट और मैं आपके जेन्युइन बंदों के साथ हूँ ऑन वगैरह.